ये हमारे पास एनर्जी आ गई है जो टू आवर्स में यूज हुई है। तो यहाँ पर फील्ड जो है वो इनटू द पेज है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो इनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो कर्लिंग फिंगर्स के अराउंड बनेगी, तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी कुछ इस तरह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। आज हम करने जा रहे हैं 2017 अक्टूबर नवंबर पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 4। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन वीडियोस आप लग पहुंच सकें। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 31। द बैटरी इन अ सर्किट कंटेन्स टू आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। Which row shows the relationship between currents I1 and I2 and gives the electromotive force EMF of the battery? तो I1 and I2 के दरमियान रिलेशन हमने सबसे पहले फाइंड करना है। तो देखिए I1 जो है ये इस बैटरी से आउटपुट आ रही है, ये वो करंट है जो बैटरी सर्किट को प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बैटरीज हैं वो 2 volt एंड 2 volts की 2 batteries पैरेलल कंबाइन किए गए हैं। तो अगर पैरेलल कंबाइन की गई है तो इट्स मीन ये यहाँ पर जो पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही होंगी इस पॉइंट पर वो 2 volt का ही होगा, वो 2 volt होंगे जिसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है I1 और जब ये रेजिस्टर में से पास होकर दूसरे तक जाएगा I2, ये दोनों सेम ही होंगे क्योंकि जितना करंट सर्किट आउट करता है उतना ही करंट सर्किट में इन होता है। तो यानी कि I1 एंड I2 दोनों क्या होंगे, सेम। फर्स्ट थिंग तो हमने ये फाइंड कर ली है। सेकंड अब हमने देखना है कि ये कितनी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड कर रही हैं ये बैटरीज, क्योंकि दोनों बैटरीज पैरेलल में कंबाइन की गई हैं तो इस वजह से इनकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उतनी ही होगी जितना इनका वोल्टेज है। इसका वोल्टेज भी 2 है, इसका वोल्टेज भी 2 है, इट्स मीन कि यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड कर रही है वो 2 EMF ही होगी, यानी कि 2 volt ही होगी। तो ऑप्शंस को देखते हैं, I1 is equal to I2 and EMF जो है वो 2 volt है, तो यानी कि सी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, द डायग्राम शोज द सर्किट फॉर अ हेयर ड्रायर, ओके। ये हेयर ड्रायर का सर्किट है। द फैन मोटर हैज अ पावर रेटिंग ऑफ 0.1 किलोवाट एंड हीटर्स ईच हैव अ रेटिंग ऑफ 0.4 किलोवाट। द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज 8 सेंट पर किलोवाट और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ द हेयर ड्रायर फॉर 2 hours विद स्विचेस P एंड Q क्लोज्ड एंड स्विच R ओपन। हमें स्विच R को ओपन रखा है, इसको यूज नहीं कर रहे, इट्स मीन हम स्विच P एंड Q को यूज कर रहे हैं, इन दोनों को क्लोज किया है। और यहाँ पर जो फैन है इसकी पावर कंजप्शन हमारे पास 0.1 किलोवाट और यहाँ पर जो हीटर की कंजप्शन है वो है 0.4 किलोवाट। हमने फाइंड करना है अगर हम इसे 2 hours यूज करें तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगी हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दोनों कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो दोनों पावर्स को ऐड कर लेते हैं तो टोटल पावर हमारे पास इस वक्त कंज्यूम हो रही है इस सर्किट में वो आ जाएगी 0.1 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 0.5 किलोवाट। 0.5 किलोवाट टोटल पावर है जो इस सर्किट में कंज्यूम हो रही है। अब हमने फाइंड करनी है कि इसमें एनर्जी कितनी यूज हो रही है, तो हम एनर्जी फाइंड करने के लिए पावर 0.5 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो टाइम हमारे पास 2 hour यूज कर रहे हैं हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 किलोवाट आवर। ये हमारे पास एनर्जी आ गई है जो 2 hours में यूज हुई है। अब इस एनर्जी की कॉस्ट कितनी होगी वो हमने फाइंड करनी है, तो कॉस्ट 1 किलोवाट आवर की जो कॉस्ट है वो 8 cents है, तो हम इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2 hours की जो हमें पे करनी पड़ेगी। 1 × 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 cents। तो ऑप्शंस को देखते हैं, डी पार्ट 8 सेंट, इट्स मीन डी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाई इज द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर बाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। तो हम मोटर में जो कॉइल है उसको सॉफ्ट आयरन सिलेंडर पर इसलिए वाउंड करते हैं ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करे। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं, ए ऑप्शन है टू डिक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट, नो। बी ऑप्शन है टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट, नो। सी ऑप्शन है टू रिवर्स द मैग्नेटिक फील्ड, नो। डी ऑप्शन है टू स्ट्रेंथ द मैग्नेटिक फील्ड, यस। तो डी पार्ट ही करेक्ट है क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्गर करने के लिए यूज होता है। MCQ 34 है, a straight wire carries a current into the paper. The diagram shows 3 magnetic field lines around the wire. Okay, the current in the wire increase. What is the direction of the field lines?
एंड विच चेंज अकर टू फाइंड लाइंस एज द करंट इंक्रीज। तो करंट को इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, तो ये जो फील्ड लाइंस हैं थ्री शो की एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमने फाइंड करनी है इनकी डायरेक्शन। तो यहाँ पर फील्ड जो है वो इनटू द पेज है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो इनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो कर्लिंग फिंगर्स के अराउंड बनेगी, तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी कुछ इस तरह। तो ऑप्शंस को देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सी ऑप्शन है। द लाइंस मूव क्लोजर टुगेदर, यस, तो सी पार्ट ही करेक्ट होगा क्योंकि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी उतनी ज्यादा उसकी लाइंस ज्यादा क्लोज होंगी। MCQ 35 है, which particles are emitted by a hot metal filament? Hot metal filament से कौन से particles emit होते हैं? तो we know that hot metal filament से electrons emit होते हैं, क्योंकि metals में free electron होते हैं जो ज्यादा energy gain करके metal के surface से emit हो जाते हैं, तो B part correct होगा। MCQ 36 देखते हैं, a circuit includes a thermistor and a light dependent resistors LDR. The resistance of thermistor and the resistance of the LDR both increase. Which change causes this? तो क्या changing आएगी? हमने thermistor और LDR लगाया हुआ है, तो जब हम resistance को increase करेंगे तो thermistor का temperature decrease हो जाएगा, क्योंकि thermistor का temperature depend करता है resistance पर। अगर temperature ज्यादा होगा तो resistance ज्यादा होगी, temperature कम होगा तो resistance कम होगी। तो यानी कि thermistor में temperature decrease होगा, तो यहाँ पर मैं downward arrow बना देता हूँ। और LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होती है, जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, और अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो इट्स मीन उसकी लाइट भी कम हो जाएगी, यानी उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो यानी कि ए ऑप्शन डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन ब्राइटनेस ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ब्राइटनेस भी डिक्रीज होगी। MCQ 37 देखते हैं, अ सैंपल कंटेन एटम्स ऑफ आइसोटोप्स दैट हैव हाफ लाइफ ऑफ 7.2 ईयर्स, which quantity half every 7.2 years? तो number of atoms जो है वो 7.2 years के बाद half हो जाएंगे, क्योंकि half life वो time period होता है जिसमें number of atoms जो है half हो जाते हैं। तो options को देखते हैं, A है the mass of the sample, B option है the nucleon mass number, no, C option है the number of atoms of the isotope, yes, number of atoms जो है वो half हो जाते हैं, तो C part ही correct होगा। MCQ 38 देखते हैं, a beam consisting of alpha particles, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज पासेस इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच डायग्राम शोस देयर पाथ्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम देखते हैं गामा रेज, तो गामा रेज अनचार्ज होती हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगी, इट्स मीन यहाँ पर जो पी पार्ट है ये करेक्ट हो सकता है। और अल्फा पार्टिकल जो है, क्योंकि वो बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं तो वो बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करेंगे, और जो बीटा पार्टिकल है क्योंकि लाइट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइट पार्टिकल्स होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेंगे। ये सब प्रॉपर्टीज बी पार्ट में शो की जा रही है, इट्स मीन बी पार्ट ही करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ 39 देखते हैं, अ नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज फायर्ड एट अ थिन पीस ऑफ गोल्ड फॉयल, व्हाट इज द फाइनल डायरेक्शन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल की फाइनल डायरेक्शन क्या होगी? अल्फा पार्टिकल क्योंकि बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं, तो जब गोल्ड फॉइल पर इन्हें फायर करेंगे तो ये गोल्ड फॉइल के एटम्स को ब्रेक करके बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाएंगे, ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे न्यूक्लियस की, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस से ज्यादा हैवी होते हैं, तो इट्स मीन ए पार्ट ही करेक्ट होगा। आज का लास्ट MCQ 40 देखते हैं, अ न्यूक्लियस ऑफ फॉस्फोरस P1535 इमिट्स अ बीटा पार्टिकल टू फॉर्म अ न्यू न्यूक्लियस, what is the nucleon number and what is the proton number of the new nucleus? तो nucleon number and proton number हमने बताना है, तो जब यहाँ से beta particle emits होगा, we know that beta particle के emission में जो atomic number है वो increase हो जाएगा 16, and atomic mass change नहीं होगा, वो 32 ही रहेगा, 16 32। तो आप देखते हैं हमारे पास options को, nucleon number जो है वो same रहेगा 32, and जो प्रोटॉन नंबर है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो 16, यस, तो डी पार्ट ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए हैं, आपको किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो आप उनके थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।